करते हैं न्यूज रूम का, जहां हमारे मेरे सहयोगी नीरज मेहरा मौजूद हैं। उनके साथ भाजपा की शील दबाई हैं और वो उनसे बात कर रहे हैं अभी तक की तस्वीर पर। सीधा चलते हैं न्यूज रूम। जी नीरज जी, शील दबाई जी क्या कह रही हैं इस वक्त, अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं? जी, जिस तरह के रुझान आए हैं, आपको लग रहा है कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अभी लगभग 86-85 सीटों पर उनकी बढ़त बनी हुई है, आप किस तरह से देखती हैं जो आंकड़े आए हैं फिलहाल? देखिए नीरज जी, ये तो रुझान ही कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों में फेर बदल हो रहा है, तो हमें विश्वास है कि जब तक पूरा रिजल्ट आउट होगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आगे रहेगी और सरकार बनाने की स्थिति में होगी। सिल्दा भाई जी, अशोक परनामी जी राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बड़े स्टार प्रचारक रहे हैं, वो खुद अपनी सीट बचाने में नाकाम से लग रहे हैं, 5,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। इतना बड़ा नाम और जिस तरह से उनको आगे रखा गया पूरी कवायद में, वो खुद भी पीछे चल रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं कि बाकी सीटों पे भी क्या रहने वाला है? नहीं देखिए, बाकी सीटों में मैंने बताया भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कर रही है, कोई कांग्रेस का ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जहाँ तक अशोक परनामी जी की बात है, अभी रुझान है, अभी कई राउंड बाकी हैं। मैं समझती हूँ जब पूरे राउंड आएंगे उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन लगता नहीं है कि अब पिछड़ रही है बीजेपी, आपको कहीं ऐसा एहसास नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल मुझे एहसास नहीं होता। जिस तरह से कि जो मार्जिन कवर हो रहा है, उससे पूरा विश्वास है जब सारे राउंड्स का रिजल्ट आएगा तो निश्चय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये परिणाम आएंगे। सिल्दा भाई जी, राजधानी जयपुर को तो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, यहाँ से भी महेश जोशी जी आगे चल रहे हैं, लालचंद कटारिया जी आगे चल रहे हैं, कई सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, उसके बावजूद क्या लगता है आपको, अभी उम्मीद है कि बाकी जो राउंड होंगे उनमें आप लोग बढ़त बना लेंगे या कवर कर लेंगे? बिल्कुल नीरज जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया, स्पेशली जयपुर में भी इतने बड़े बड़े काम किए, इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट लेके आए, और यहाँ पर जो उस तरह से नगर निगम ने भी काम किया, अभी आप देख रहे हैं कि मेयर जो वो आगे चल रहे हैं, तो जो अभी परिणाम आने दीजिए, उसके बाद कुछ कहने की स्थिति में होंगे, क्योंकि अभी हमें पूरी विश्वास है कि जब पूरे परिणाम आएंगे तो निश्चय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। सिल्दा भाई जी, 103 का जादुई आंकड़ा है वो छू चुकी है कांग्रेस, बढ़त की ओर है, 85-86 सीटों पर बीजेपी है, तो ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि ये सारा मामला विकास के आधार पर लोगों ने वोट कास्ट किया है और कांग्रेस अभी भी आपको उम्मीद है कि नहीं कुछ फेर बदल हो सकता है? देखिए नीरज जी, ये मैं मानती हूँ कि जब सत्ता में सरकार होती है तो निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन हमने एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास किया है और उसी का परिणाम है कि आप देखिए 86-87 पर जो हमारे उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, और बाकी का जो रिजल्ट परिणाम आएगा, जो भी जनता का जनादेश होगा, हम सहर्ष इसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल दबा जी, सहर्ष स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, जनतंत्र में लोकतंत्र में यही होता है, जब परिणाम अपने अनुकूल नहीं आते हैं तो वो स्वीकार भी करना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है वही फैसला करती है। लेकिन जहां गढ़ माने जाते थे, कोटा में चारों सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, तो वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था, मुख्यमंत्री का गृह जिला भी मतलब एक तरह से है ही, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी है, और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो जनता के पास में नहीं पहुंचा, और जनता का और एक ट्रेंड सा बन गया है राजस्थान में कि एक बार बीजेपी एक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने खूब काम किए लेकिन परिणाम जिस तरह से आ रहे हैं, परिणाम अनुकूल जितना हम सोचते थे उतना नहीं आ रहे हैं, फिर भी जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते तब तक हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं होंगे। नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जब तक परिणाम पूरे नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ कहना संभव नहीं है, और उम्मीद की जा रही है कि हमने विकास कार्य किए और विकास कार्यों के अनुरूप हमको वोट नहीं मिला, क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड भी बन चुका। लेकिन सिल्दा भाई, जिस तरह से पीएम मोदी अमित शाह दहाड़ दहाड़ कर बोलते थे कि राजस्थान में ट्रेंड बदलने वाला है, 180 मिशन हमारा है, उस 180 मिशन का क्या हुआ? उनके जो वायदे थे, जिस तरह उन्होंने बोला, जिस तरह हर सभा में वो कहते थे कि नहीं इस बार ट्रेंड बदलेगा बदलेगा, लेकिन जनता ने लगता है उनकी सुनी नहीं, अब सुनना बंद कर दिया जनता ने उन लोगों की?
नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे 50-60 पर ही बीजेपी को समेट रहे थे और कांग्रेस के 145-150 बोल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो जनता है, जो जनता ने जो मानस बनाया है, तो वो मुझे लगता है कि उसी की परिणति हो रही है। जहाँ तक आप हाड़ौती की बात कर रहे हैं, हाड़ौती में भी कुछ जैसे परिणाम हमने सोचे हैं नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। राखी जी, कोई सवाल सरकार या आपका सील धाबाई जी से हो तो जी। नीरज जी, अभी अभी जब कुछ नतीजे आने शुरू होंगे तब बात करेंगे। अभी आपका और सील धाबाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद।